मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम विपुल कुमार वर्मा फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच सब्जेक्ट CSS कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज टू हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज यूजर्स, फ्रॉम हैकर्स, फ्रॉम इंट्रूडर्स एंड फ्रॉम मेलिशियस प्रोग्राम दैट इंटरप्ट आवर सर्विसेज. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मेन मकसद है, मेन मतलब है कि आपको अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है किसी भी अनवांटेड यूजर से जिसको कोई सर्विस अलाउ आपने नहीं किया है, और हमें किसी भी तरह के मैलिशियस प्रोग्राम से अपने सिस्टम को, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाना है. ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टू द इंफॉर्मेशन ऑन देम. दैट मीन्स कि आपको अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी का मेन पर्पस होता है कि आपको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर बनाना है. अब हम बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, क्योंकि सुरक्षा हम किसकी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की. वी प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम आउटसाइडर. सो टुडे आई एम डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या और इसे हमें सुरक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात करते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो नाउ वी जस्ट राइट द टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. So now we first write what is information system. ठीक है, तो information system is a collection of various components that is used to create a information as well as how to flow to be information. तो information system कई components से होके बनते हैं. ठीक है, ये कई component आपस में जुड़े होते हैं, connected होते हैं, और जिसके through हम information को create करते हैं, information को share करते हैं, एक department से दूसरे department information को हम send करते हैं. ठीक है, ये information system हर एक कंपनी अपना मेंटेन करके चलती है. जैसे अगर IIMT की हम बात करें तो यहाँ भी एक अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, कुछ क्रूशल्स होते हैं जिसको हम सबको शेयर नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे क्रूशल्स इंफॉर्मेशन को हमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जिसका हम जैसे कि जिसे कोई दूसरा अनवांटेड यूजर हमारे उस क्रूशल इंफॉर्मेशन को हैक या शेयर या उसे मॉडिफाई ना कर सके. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. तो नाउ सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर वर्क टुगेदर टू क्रिएट, टू डिसमिनेट, टू फ्लोट various information among departments. Now we tell about what are the various components of information system. So the first component of information system is, now the first component of information system is software. The second component of information system is hardware. The third
component of information system is network. The fourth component is database. And the fifth component is HR, human resource. Now let's we elaborate each and every components. So the first one is software. So as you know that all of you know that the software is a collection of program that do a specific task. It also used to drive various hardware. जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कब कब और क्या कैसे काम करना है। द सेकेंड कंपोनेंट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, और इनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। थर्ड कंपोनेंट आपका आता है नेटवर्क। नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन होता है कई छोटे छोटे नेटवर्क्स का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को हम पास करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक प्लेस से दूसरे जगह हम अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क में भी तीन तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट आप लोग जानते हैं कि दिस इज अ ग्लोबल नेटवर्क वेयर यू कैन एक्सेस ऑल थिंग्स फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इंट्रानेट जो आपका होता है वो कंपनी के अंदर का नेटवर्क होता है, जैसे कि अगर एक आईएमटी है, आईएमटी के अंदर जो भी नेटवर्क सेटअप है वो कहलाएगा दैट इज इंट्रा नेटवर्क या इंट्रानेट। जब आपके मान लीजिए कि फिजिकल में दो तीन क्या नाम से ऑफिसेस हैं, मान लीजिए एक आपका दिल्ली में है, एक आपका मुंबई में है, और आप चाहते हैं कि वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो जब आप ऐसे दो नेटवर्क दो फिजिकल कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट यानी आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रानेट यानी कि आप दो डिफरेंट लोकेशन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और इंटरनेट मतलब होता है कि आप कंपनी के विद इन, जिसे हम प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं, वो प्राइवेट नेटवर्क काम करता है। तो इंटरनेट यानी प्राइवेट नेटवर्क विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रानेट कनेक्शन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन टू नेटवर्क, एंड इंटरनेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी जब हम सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। फोर्थ कंपोनेंट आपका आता है डेटाबेस की। वॉट इज डेटाबेस? तो एज यू नो दैट कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट वी यूज टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर होते हैं, और डेटा एक फॉर्मेट में फॉर्म में स्टोर होते हैं, और उस फॉर्म में हम करते क्या है कि डेटा को वहां से रिट्रीव करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए। तो डेटाबेस जनरली क्या है कि वेयर वी स्टोर द डेटा, ठीक है, आवर यूजफुल डेटा इन अ लॉजिकल मैनर। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स द इंटेलेक्चुअल पीपल, ये वो पीपल होते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, यानी जो इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ड्राइव करते हैं, जो चलाते हैं। इसमें आपके क्लर्क भी आते हैं, इसमें आपके सॉफ्टवेयर पीपल्स भी आते हैं, इसमें आपके हार्डवेयर
पीपल भी आते हैं जो हार्डवेयर को देखते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर के पीपल जो सॉफ्टवेयर देखते हैं, इसमें बहुत से ऐसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को बनाने में, दैट इज कॉल्ड पीपल्स। और ये इनका मेन काम क्या है कि इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरे सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। तो दीज आर द फाइव कंपोनेंट्स तो ये पांच दीज आर द फाइव कंपोनेंट्स दैट आर यूज टू क्रिएट अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको हम एक तीन तरीके से होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। मैं आपको यहाँ भी डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। जो सबसे पहला होता है आपका TPS, तब सेकंड आपका MIS एंड थर्ड आपका EIS, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ IS. So in there are three types of information system. The lowest level is called TPS, that is transaction processing system. The middle level is called MIS, that is management information system, and the upper level is called EIS, that is executive information system. तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है।
ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम में होता क्या है, दैट इज सबसे लोवेस्ट लेवल ये होता है। इसमें होता क्या है कि हम जो भी डेली रूटीन वर्क करते हैं वो इस लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आईएमटी का, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लेवल पे जैसे कि आप कह सकते हैं कि फैकल्टी हैं, वेरियस अकाउंटेंट सर्विसेज हैं, एचआर हैं, जहाँ पे हम करते क्या है अपने डेली टू डेली काम को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हम एक बैंक का सिस्टम उठाएं तो बैंक सिस्टम में जैसे टेलर है वो अपना डेली का काम करता है, कैशियर है वो अपना डेली का काम करता है कैश लेने का देने का। तो जो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हर कोई हॉस्पिटल में जैसे नर्स है उनका अपना डेली रूटीन वर्क है, डॉक्टर का अपना डेली रूटीन वर्क है, फैकल्टी की हम बात करें तो फैकल्टी का अपना डेली रूटीन वर्क है जहाँ पे वो अपना लेक्चर लेता है और उसको टाइम से जाना है लेक्चर लेना है, उसके अलावा उसे जो भी जैसे अटेंडेंस मेंटेन करनी है समथिंग है। तो जो भी एक डेली का काम होता है वो डेली का काम किस लेवल पे होता है, टीपीएस लेवल पे, जहाँ हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम, यानी यहाँ पे हर एक डेली का काम हम स्टोर करके रखते हैं। दूसरी चीज, टीपीएस एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, यानी आप इसे कह सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर रूल आपको पता है और आप उस प्रॉपर गाइडलाइन और रूल के तहत आप क्या करते हैं वहां पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा मंडे में 9 बजे से लेक्चर लेना है तो मुझे पता है कि मुझे 9 बजे किस सेक्शन में जाना है और कहाँ पे मुझे अपना लेक्चर डिलीवर करना है। तो यानी मेरे पास एक मेरा पूरा वीकली टाइम टेबल होगा, मैं उस वीकली टाइम टेबल के तहत अपने पूरे वीक के लेक्चर को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो दैट इज टीपीएस मींस, तो टीपीएस को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड structured means they have a proper rules, they have a proper guidelines to execute their work. Phir next level pe hum aate hain, that is called MIS. To MIS ka MIS yani ye middle level hota hai, iske तहत jo aate hain jaise ki agar hum is institute ki baat kare to TPS mein jaise faculty aa gaye, clerks aa gaye, to MIS pe jaise HODs ho gaye, HODs आते हैं जो आपके HODs हो गए, जो हायर अथॉरिटीज होते हैं जो हमसे अपर लेवल पे आते हैं, जो हमारे काम को डेली काम को हमारे वो देखते हैं, जो इवेलुएट करते हैं। तो MIS पे ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जैसे सुपरवाइजर हो गए, HODs हो गए, वेरियस मैनेजर्स हो गए। तो इनका ये क्या, इनका काम क्या है कि जो टीपीएस पे जो डेली रूटीन वर्क चल रहा है उसको मॉनिटरिंग करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको इवेलुएट करना, ताकि जो वो टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे हर एक वीक का एक टारगेट हमने सेटअप किया, इनका काम क्या है कि एक हर वीक का एक टारगेट सेटअप कर दिया कि इस वीक तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो इसके लिए वो टीपीएस पे किसको किस पे क्या लगाना है, किसको क्या सब्जेक्ट असाइन करना है, किसको हमें क्या काम देना है कि विद इन अ वीक ये काम हम जो है वो उसे अचीव कर ले। तो एमआईएस पे मेनली मैनेजर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, ठीक है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो हेड्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनका काम क्या है कि उनके डिपार्टमेंट में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देखना, ठीक है, उसको देख के उसको देखना, उसको मॉनिटरिंग करना, उसको इवेलुएट करना कि क्या ये जो है हमारे टारगेट के से सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इनका मेन काम होता है कि टीपीएस लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करके उनके उनको देखना और अपना जो गोल है उसके करीब, उसको अचीव करने के करीब पहुंचना। अगर हम बात करें MIS की कि क्या ये स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो अगर हम MIS की बात करें तो MIS हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि इनके या तो ये इनके पास भी या तो गाइडलाइन होती है जिसको वो गाइडलाइन के बेस पे वो मॉनिटरिंग करते हैं, या ये कुछ डिसीजन अपने सेल्फ भी ले सकते हैं। अगर कहीं पे इन्हें अपनी डिसीजन खुद लेना होता है तो कई जगहों पे ये अपनी डिसीजन भी ले लेते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे इन्हें ये इनके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, वो उस गाइडलाइन के थ्रू भी क्या होता है डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे काम करवाना है। अब अगर हम बात करें EIS की, दैट इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर हम बात करें कि कौन लोग होते हैं, तो दैट इज आर द वेरी हायर लेवल अथॉरिटीज लाइक CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, और ऑल अदर्स हायर अथॉरिटीज, चेयरमैन, को चेयरमैन एक्सेट्रा। इनका काम क्या होता है कि इनका मेन काम होता है डिसीजन लेना। इनका मेन काम होता है कि ये अपने डिसीजन से अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म कैसे आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। इनका मेन काम होता है कि आसपास के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उनको कैसे कम्पीट करना है। अब इसके लिए उन्हें कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन MIS या TPS और MIS दोनों से जो भी इनके पास रिपोर्ट आती है उसका यूज करते हैं, प्लस अदर सोर्सेस से वो रिपोर्ट लेते हैं और सारे रिपोर्ट का कंबाइंड करके उसका एनालिसिस करके इनका मेन काम क्या होता है कि डिसीजन लेना कि हाउ टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो डिसीजन होता है ये ऑन द स्पॉट होता है और ये वेरियस इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि TPS हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, MIS हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, तो अगर हम EIS की बात करें तो EIS हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं कि हमें कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कंपनी को प्रॉफिट पे ले जाना है, कैसे उसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन काम क्या होता है एग्जीक्यूशन फॉर सिस्टम में कि डिसीजन लेना। तो अगर नटशेल में अगर हम बात करें कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन टाइप्स होते हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल पे आपका आता है ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम, ठीक है, जिसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ऑपरेशन लेवल सिस्टम भी। तो यहाँ पे हम जितने भी कंपनी के अंदर के डेली रूटीन वर्क होते हैं उनको करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। सेकेंड लेवल पे आपका आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम दूसरे में भी दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं टैक्टिकल, ठीक है, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि मैनेजर्स होते हैं, वेरियस मैनेजर्स होते हैं जो अपने से नीचे लेवल यानी TPS लेवल पे काम कर रहे लोगों को मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं कि क्या जो उनका गोल है वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं। और EIS का मेन काम होता है डिसीजन लेना कंपनी के बारे में, लॉन्ग टर्म डिसीजन ये लेते हैं कि कंपनी को किस जगह कहाँ पे टारगेट करना है, किस जगह पे उसको मोटिवेट करना है, क्या डिसीजन लेना है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसका जो भी वो है प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है, तो उन्हें कैसे काम करना है। इसके लिए वो MIS और TPS से रिपोर्ट लेते हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन और अदर सोर्सेज से भी रिपोर्ट लेके उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। तो यही है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि इस लेवल का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई अदर बाहर का व्यक्ति या बाहर का यूजर इस हमारे इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है जिसके बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हमारे क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो कोई
अनऑथोराइज यूजर एक्सेस ना कर सके। तो जितने भी हम अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम वेरियस मैलिशियस प्रोग्राम। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं मैलिशियस प्रोग्राम जो हमारे नेटवर्क पे छोड़ दिए जाते हैं, जो हमारे नेटवर्क को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम से, ऐसे नेटवर्क थ्रेट से और ऐसे अनवांटेड हैकर या इंट्रूडर से अपने इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाना होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे हमने पहले ये सीखा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है? ताकि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से कोई भी जानकारी ना तो डिस्ट्रॉय हो सके, ना तो चोरी हो सके और ना उसका कोई मिसयूज हो सके। ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन है, तो वो केवल आपको ही, ऑथोराइज यूजर को ही एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, नेटवर्क थ्रेट्स, डैमेजेस एंड फ्रॉम अदर हैकर्स, इंट्रूडर्स। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कई कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जिसमें मैंने कहा था कि हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस होता है, नेटवर्क होता है और ह्यूमन रिसोर्स होता है। सॉफ्टवेयर यानी जो हार्डवेयर को चलाता है, हार्डवेयर यानी एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस पे रन करता है। नेटवर्क यानी जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। डेटाबेस जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स यानी वो लोग, वो ऑथेंटिकेट पीपल्स या वो लोग जो इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द वेरियस, दैट इज, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड नाउ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या एज यू नो दैट ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, MIS या टेक्टिकल, एंड EIS दैट इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कभी कभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम EIS का क्या है? डिसीजन को सपोर्ट करना, डिसीजन को क्या नाम से डिसीजन लेना, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, हमें कैसे क्या नाम है, कैसे अपने इंक्रीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड लेवल पे आता है आपका MIS। MIS का मेन काम क्या है कि जो उसके नीचे लेवल है, TPS लेवल जो है, उस लेवल के लोगों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना कि किसको क्या जॉब असाइन करना है, किसको कितनी अथॉरिटीज देना है, ताकि जो भी डेली रूटीन वर्क हो रहा है वो हमारे गोल के अचीव पहुंचे। हर एक का टारगेट होता है, हर एक हम छोटे छोटे गोल्स और टारगेट्स लेके चलते हैं MIS लेवल पे और उन टारगेट्स को फुलफिल करते हैं TPS। तो TPS में जो लोग होते हैं उनका मेन होता है कि अपना डेली रूटीन का काम जो वो करते हैं उस काम को मेंटेन करना, जैसे कि कैशियर का काम है पैसे देना, फैकल्टी का काम है लेक्चर लेना, बाकी अदर जो उसके अटेंडेंस मेंटेन करना, मेंटरिंग करना, वो सब सारा काम देखना, ये सारा काम एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड होके ऊपर MIS को जाता है, MIS उसका फिर रिकॉर्ड बनाता है, उसे भेज देता है अपने ऊपर लेवल EIS पे। और EIS का मेन काम क्या होता है कि इन सारे रिपोर्ट के बेस पे एक डिसीजन तैयार करना कि कैसे हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी वर डीप नॉलेज अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम विद वेरियस things. So next lecture we will meet and we will know about the deep knowledge of computer security.